दोस्तों सलमान खान के साथ लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म से बॉलीवुड में एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने अपना कदम रखा था, जिसके बाद ये इस फिल्म के साथ फेमस भी हो गई थी, पर साथ ही ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट के नाम से काफी मशहूर हुई थी, जिससे इनके करियर को काफी अच्छा पुश मिला और इन्होंने कई फिल्में करके खूब नाम और शोहरत कमाई। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होने के चलते ये पिछले काफी समय से इंडस्ट्री से दूर है, पर ये अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और जल्दी फिल्मों में वापसी करने वाली है। लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं अब जब ये फिल्मों से दूर है तो भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि इनकी प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना और इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा स्नेहा उल्लाल का बीमारी के चलते करियर काफी छोटा रहा। इन्होंने अपने 10 साल के करियर में केवल 22 फिल्में की, पर उन फिल्मों में ज्यादातर हिट भी रही। वहीं हर फिल्म में काम करने का इन्हें 10 लाख रुपए मिला। अपनी इसी कमाई से इन्होंने करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, जिनमें इनका मुंबई वाला आलिशान घर है जो करीब 90 लाख का है। इसके साथ दिल्ली में इनका अपना खुद का घर है जो करीब 1 करोड़ का है। वहीं 10 लाख का इनका एक छोटा सा फार्म हाउस भी है। इस तरह करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। वहीं अगर बात करें लाइफस्टाइल की तो काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। शुरू करते हैं इनके ड्रेसेस से, तो इंडियन से लेकर वेस्टर्न सभी तरह की ड्रेसेस पहनती है, पर ये सभी डिजाइनर होती हैं, इसलिए इनकी एक सिंपल सी ड्रेस की कीमत भी 50,000 रुपए होती है। ड्रेसेस के अलावा इनको हील्स का भी बड़ा शौक है। इनके पास एक से बढ़कर एक तरह की स्टाइल वाली हील्स शामिल हैं, जो गुची और वैलेंटिनो जैसे महंगे ब्रांड की होती हैं। इनके एक पेयर शूज की कीमत 1 लाख होती है। अगर बात करें इनके हैंडबैग की तो इनके पास सिर्फ ब्रांडेड हैंडबैग है जो चैनल गुची जैसे ब्रांड के, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख होती है। और अंत में बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास i10 मारुति सुजुकी 800 जैसी गाड़ियां हैं। वही अगर बात करें निजी जीवन की तो आपको बता दें ये ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अवि मित्तल के साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। हाल ही में इनका ब्रेकअप हुआ है तो फिलहाल ये सिंगल है। वर्तमान में अपने दिल्ली वाले घर में अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही है और बॉलीवुड में वापसी की तलाश कर रही है। तो दोस्तों सलमान खान के साथ इनकी जोड़ी कैसी लगी थी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।